अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो बाय वसीम हमदानी। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A12s की। जी हाँ, ओप्पो A12s की, ना कि ओप्पो A12 की। तो यार वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है क्योंकि इस वीडियो में मैं ओप्पो A12s की फुल स्पेसिफिकेशंस आपके साथ शेयर करूँगा और रिव्यू करूँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है। इससे पहले अगर रिक्वेस्ट है, वीडियो को यहीं पर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से प्रेस कर लें, और वीडियो पूरी देखने के बाद आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये डिवाइस आपको कैसी लगी, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। और अब बात कर लेते हैं ओप्पो A12s की। तो यार तकरीबन A11 ओप्पो का जो मॉडल है उससे सेम ही है, डिज़ाइन तकरीबन सेम ही है। इसके अलावा इसकी जो बैक होगी वो प्लास्टिक की होगी, पॉलीकार्बोनेट की बनी होगी। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यार IPS डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा, और इस डिवाइस का जो साइज़ होगा वो 6.2 इंच का होगा। 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो यार आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में मिल जाएगी, और अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यार आपको इस डिवाइस में 9OS का एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन 10OS का रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं रखा, हो सकता है बाद में अपडेट लें। अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिवाइस के कैमराज की। तो यार आपको बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल्स का मिलेगा, और सेकेंडरी कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर के साथ मिल जाएगा, और साथ ही में आपको एक LED फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी। अगर हम फ्रंट की बात करें तो यार फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच में 5 मेगापिक्सल्स का एक कैमरा मिल जाएगा, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसकी बैक में मिल जाएगा, और साथ ही में आपको फेस अनलॉक की सहूलत भी आपको इस डिवाइस में मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बैटरी वाइज बात करें तो यार इस डिवाइस में 4230 mAh की एक बैटरी रखी गई है, और साथ ही में आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी, वो भी आपको माइक्रो USB केबल के साथ। और अब बात करते हैं इस डिवाइस में प्रोसेसर की। तो यार आपको इस डिवाइस में 2.3.5 GHz ऑक्टाकोर का CPU आपको इस डिवाइस में मिल जाएगा, और चिपसेट आपको मीडियाटेक हेलियो P35 की आपको इसमें चिपसेट मिल रही है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर आप गेमिंग करते हैं तो तकरीबन आपको ये अच्छी परफॉर्मेंस ही आपको गेमिंग में देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप गेमिंग के लिए कोई अच्छा सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो और आपका बजट भी कम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रियलमी के C11 की तरफ जाएं, क्योंकि दोस्तों आपको वहां पर मीडियाटेक हेलियो G35 की चिपसेट आपको मिल रही है, जो कि खासकर गेमिंग के लिए होती है। तो अगर आपका बजट कम है आप रियलमी C11 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रियलमी C11 की प्राइस इस डिवाइस से काफ़ी कम होगी। रियलमी C11 की प्राइस 17,000 होगी, और इस डिवाइस यानी कि ओप्पो A12s की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 22,000 से लेकर 23,000 तक है। हो सकता है कि आपको ये 22,000 में मिले, और ये भी हो सकता है कि ये डिवाइस आपको 23,000 में मिले, तो यार प्राइस इसकी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हम इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो यार इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट कहा तो ये जा रहा है कि अगस्त के महीने में इस डिवाइस को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी लाजमी से प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है।